भाई, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, यू कैन नेवर से नेवर। आप मेरे मुख्यमंत्री क्या व्यक्तित्व, उनकी छवि अब ऐसी बन गई है कि वो कब किस तरफ चले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। शायद मुख्यमंत्री के दाएं हाथ को नहीं पता होगा कि उनका बायां हाथ क्या निर्णय ले रहा है, क्या फैसला कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कहां जाते हैं, नहीं जाते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, किस गठबंधन में नहीं रहते हैं, ये मेरी चिंता नहीं है। पर हां, इसमें बिहारियों की चिंता को अनदेखा मेरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये जरूर हम लोगों को ये बात परेशान करती है। आज जब प्राथमिकता बिहार और बिहार के लोग होने चाहिए थे, आज जब प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए थी कि भैया पिछले 5 सालों में मेरे मुख्यमंत्री ने क्या काम किया, उसका जवाब, उसका हिसाब लेकर जनता के बीच जाते, तो आज भी चर्चा यही चल रही है कि भैया इस गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जिस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर इतने प्रश्न चिन्ह खड़े हों, जिनको गठबंधन तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता नहीं स्वीकार करती, महागठबंधन इन पर भरोसा करती है, नहीं करती है। जितना विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, किसी को मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है। कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जिसको इन्होंने धोखा ना दिया हो। महागठबंधन को धोखा दिया, एनडीए को इन्होंने धोखा दिया, अपने तमाम शीर्ष नेताओं को ये धोखा देते आए। जॉर्ज साहब को इन्होंने कैसे हाशिए पर डाला कोई भूल सकता है क्या, या शरद यादव जी के साथ इन्होंने क्या किया कोई भूल सकता है, अंत अंत तक जिन्होंने इनका साथ दिया, दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने क्या किया कोई भूल सकता है, आरसीपी जी जो अभी तक इनका साथ दे रहे थे उनको किस तरीके से इन्होंने पार्टी से बाहर करने का काम किया। तो जिन नेताओं ने इनका साथ दिया उनके सगे नहीं हुए, जिन गठबंधनों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया उनके ये सगे नहीं हुए, जिस बिहार की जनता ने 18 साल से इनको मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है उनको अपराधियों के हाथ इन्होंने झोंक रखा है। तो ऐसे में देश की जनता इनको स्वीकार करेगी, ये होने नहीं वाला।